देखिए, जैसा आप जानते हैं, ये भारत की मैक्सिमम फुटफॉल की जगह है। वर्तमान में प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, जो सप्ताह के अंत में वीकेंड में ये 2.5 से 3 लाख तक हो जाते हैं। और विशेष पर्व तिथियों पे जैसे शिवरात्रि हुआ, नववर्ष हुआ, तो उस दिन करीब करीब 11 से 12 लाख लोग एक दिन में दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, दर्शनार्थियों के लिए धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, मिस्ट फैन लगाए गए हैं जो फव्वारे के साथ हवा दे रहे हैं, जगह जगह पे पानी के लिए व्यवस्था कराई गई है, वाटर कूलर लगे हुए हैं, फर्श गर्म हो रहा है इसके लिए मैट बिछाई गई है, हर एक घंटे पर मैट को पानी से गीला किया जा रहा है, हमारे डॉक्टर की टीम तैयार है, पानी जहाँ पे हम पिला रहे हैं वहाँ पर ORS के घोल रखे हुए हैं ताकि यदि किसी को दिक्कत हो तो तुरंत हम ORS का घोल पिला सकें, और विशेष परिस्थितियों के लिए धाम में अपना एम्बुलेंस है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, यदि किसी की तबीयत खराब हो रही है तो तुरंत हमारे डॉक्टर आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कॉरिडोर बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 2.5 सालों में करीब करीब 16 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। 195 देश हैं विश्व में, 195 देशों में से 139 कंट्री के लोगों ने एक साल में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, तो ये अपने आप में अद्भुत है, बाबा की असीम कृपा है। देखिए, हम लोग का बिजनेस क्या था कि ये 300 मकाने थी, 10,000 पब्लिक चली गई, ठीक है, हम लोग का 75% दुकानदारी खत्म हो गया, मगर जो अब यात्री है, अब यात्री वाली अपनी दुकानदारी हो गई है, अब यात्री वाली दुकानदारी है, तो काफी जो पहले गल्ले आटे चावल के दुकान थे, सारे लोग बिजनेस चेंज कर लिए इस गली में, अब उसी के मार्फत जो यात्री वाला दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, पहले से रिस्पॉन्स बढ़िया है, बहुत विकास हुआ है भैया। आप देख लीजिए, जैसे अभी हम लोग जैसे एयरपोर्ट जाते थे तो पहले 1.5-2 घंटा लगता था जाने में, अभी क्या है कि 20-25 मिनट में हम लोग चले जाते हैं। वो हो गया, हमारा मंदिर हो गया, और सारी सुविधाएं हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। अब लोग रात में आराम से बाहर घूमते फिरते हैं, कोई किसी चीज का डर नहीं है किसी लोगों के अंदर, ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा है हमें, बहुत मजा आया है, और मोदी जी के कारण ही हमने यहाँ पे दर्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा चर्चा थी मोदी जी कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और हमने जैसे हमने विश्वनाथ जी के सब देव देवताओं के नारे बोले हैं, हमने बाबा बुलडोजर के भी नारे बोले हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। 2014 के पहले बनारस के विकास की जो योजना थी बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती थी, और गाँव में कभी दिन में रहती थी रात में नहीं रहती थी, और यहाँ पे सड़कें जर्जर थी, बिजली व्यवस्था जर्जर थी, ट्रैफिक व्यवस्था जर्जर थी, और रेलवे का भी ठीक स्टेशनों का भी बहुत बुरी स्थिति। लेकिन 14 के बाद जैसे मोदी जी ने आया है, सबसे पहले तो यहाँ पहला नंबर सुधार हुआ, बिजली की तार अब देखिए सब खंभे हट गए हैं, पहला सुधार। दूसरा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, विश्व में काशी की एक अलग स्थान मिला है। तीसरा जो है कि रुद्राक्ष सेंटर बना,
चौथा नंबर बाबतपुर फोर लेन, पांचवा नंबर शिवपुर कोरवलिया फोर लेन सड़क, मुगल सराय पड़ाव फोर लेन, पड़ाव रामनगर फोर लेन, अभी जो लगातार ये सब चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पे बंजारी में चल रहा है इस समय काम, और सीधा स्टेडियम को भी अपग्रेड कर दिए, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय किया गया है। उसके अलावा रोपे में अभी प्रस्तावित काम चल ही रहा है, उसके बाद भारत का पहला ट्रांसपोर्ट सिटी होने जा रहा है बनारस। बिजली के जितने थे खंभे जो इलेक्ट्रिक वो भी सुधर गई है, 24 घंटा लाइट रहती है, और भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं, गलियाँ स्मार्ट हो गई, घाट स्मार्ट हो गए हैं, यहाँ पे फ्रीज चलने लगा है, जल परिवहन यहाँ पे चालू हो गया है। कितनी योजनाएं जो कभी जो कि 10,000 करोड़ की योजनाएं पेंडिंग में चल रही है, वो भी जो अगर ये तीसरे कार्यकाल मोदी जी आएंगे 4 जून के बाद, उसमें विकास की गति मिलेगी। और ये बनारस जो है कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं इसको प्रोटो बनाऊंगा, तो गलत नहीं है, प्रोटो ग्राह पे चल दिया है बनारस शहर। और इस बार मोदी जी चुनाव यहाँ पे एक तरफा जीत रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, 10 विकेट से जीतेंगे मैच। और एनडीए की सरकार हमें लगता है 4 जून को बड़े आराम से बनेगी और बहुत अच्छे तरीके से।